Hello friends, I am Anil Narula. I am the director of Anil Narula's IAS study, Sector 38D, Chandigarh. Friends, मैंने ये observe किया है पिछले 19 years में कि UPSC results जो आते हैं कई बार बड़े चौंकाने वाले आते हैं. हम कई बार ये expect करते हैं कि कुछ students जो हैं class में बहुत अच्छा perform करते हैं, उनकी knowledge काफ़ी अच्छी होती है, देन उनका एकेडमिक बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, कल तो गोल्ड मेडलिस्ट भी होते हैं, अपने फील्ड के टॉपर रहते हैं, यहाँ टेस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और हमें लगता है कि शायद ये स्टूडेंट जो है आईएएस में भी टॉप करेगा, और कुछ पे हमें लगता है कि ये शायद प्रीलिम्स भी क्लियर ना कर पाए जो उसका परफॉर्मेंस एक साल में रहता है. बट पिछले 19-20 साल में ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि कुछ जिनकी हमें प्रीलिम्स क्लियर करने की उम्मीद नहीं थी वो आईएएस बन गए हैं, और जिनकी हमें आईएएस में बनने की तो है थी टॉप में 10 रैंक लेने की उम्मीद थी तो उनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ. अब जब हमने इसी को एनालाइज किया तो ये चौंकाने वाली चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की है वो क्या आई है उसके बारे में हमने इसको एक सीरीज़ की फॉर्म में, एक वीडियोज़ में मैंने आपको समझाना है. तो सीरीज़ का पहला पार्ट मैं समझा रहा हूँ जो मुझे लगता है, ये मेरा अपना व्यू है, हो सकता है कि कुछ लोगों के व्यूज़ जो हैं मुझसे बिल्कुल डिफरेंट भी हों, कि इतना पढ़ने के बाद भी, इतना हार्डवर्क करने के बाद भी, अच्छा दिमाग होने के बाद भी कुछ बच्चे जो हैं प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं कम पढ़ने के बाद भी टॉप कर जाते हैं, कारण क्या है उसका. तो उसमें फर्स्ट चीज़ मुझे लगती है जो ये जो पार्ट वन है उसमें फर्स्ट चीज़ मैं डिस्कस जो कर रहा हूँ वो है कि पहली चीज़ है इस एग्ज़ाम का ओरा. इस एग्ज़ाम का ओरा इतना बड़ा लोगों ने बनाया हुआ है कि आईएएस मीन समथिंग यूनिक, कि आईएएस मीन आपको हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, आईएएस मीन बहुत शार्प माइंड, आईएएस मीन बहुत अच्छा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आईएएस मीन बहुत पढ़ाई, आईएएस मीन बहुत नॉलेज. जैसे कई बार कुछ पेरेंट्स से उनके कोई और लोग कुछ बच्चे पूछते हैं कि आईएएस बनने क्या करना पड़ता है, तो क्या बोलते हैं, आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए, आपकी जीके बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आप चार से दो तीन अखबार पढ़ने चाहिए, आपको टीवी सुनना चाहिए, आपको हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, आप ये पढ़ो वो पढ़ो. वो एक दिमाग में हर जगह पे, और कुछ बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में बट वो एकेडमिक्स में अच्छे हैं, बट उनका अपने एकेडमिक्स के टाइम पे सो कॉल्ड जीके में, करंट अफेयर्स में इतना मन नहीं लगता है, बट वो लोग भी बाद में आईएएस बन जाते हैं. बट जब वो लोग आईएएस तैयारी शुरू करना चाहते हैं किससे पूछते हैं कि तैयारी शुरू कैसे करें, क्या मुझे करनी चाहिए, तो कुछ लोग उन्हें कैसे डराते हैं कि इसके लिए तो बहुत अच्छी जीके चाहिए आपको, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, इसके लिए 12-12, 15-15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, इसके लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, रिश्तेदार रिलेटिव्स आपके हो गए, फ्रेंड्स हो गए, सोशल मीडिया हो गया, ये सब छोड़ना पड़ेगा आपको. कुछ तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं महानुभाव जो ये बोलते हैं कि आपको अपने आप को एक अपने कमरे में बंद करना पड़ेगा, आपको हर वक्त पढ़ना पड़ेगा, आपको अपना ध्यान हर चीज़ से हटाना पड़ेगा, आप मूवी नहीं देख सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते हैं, ये सब फालतू की बकवास की बातें हैं, इनका वास्तविकता से रियलिटी से कोई लिंक नहीं है, ये बेसलेस बातें हैं पूरी की पूरी. वो उससे क्या होता ना कि आपके मन में एक आईएएस की बहुत बड़ी छवि बन जाती है कि अगर मैंने इतना नहीं पढ़ा हुआ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपको जीके का, सो कॉल्ड जीके का या करंट अफेयर्स का या आपके अराउंड क्या चल रहा है पिछले 4-5 साल से कुछ नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपकी ज़ीरो नेगेटिव है, अगर आपकी जीके नेगेटिव है, ज़ीरो भी नहीं है, तो भी कोई समस्या नहीं है. एक साल में जो आपने यहाँ पढ़ना है काफ़ी है, एक साल जो आप तैयारी करेंगे उतना ही काफ़ी रहता है. ये नहीं है कि आप 15-20 साल से या 8-10 साल से या 4-5 साल लगातार करंट इवेंट्स के, जीके के टच में हैं तो ही आप बन पाएंगे, ये सब फालतू की चीज़ है.
हाँ, जब आप पढ़ना शुरू करें, तैयारी शुरू करें, फिर ढंग से पढ़ना शुरू करें, ठीक है। आप आईएएस को हवा लेके मत चलें। अगर हमारे सारे आईएएस, बुरा मत मानिएगा जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, उस थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, समझिएगा उस चीज़ को, कि अगर सारे के सारे आईएएस बहुत शानदार दिमाग वाले होते, बहुत स्मार्ट वर्क करने वाले होते, बहुत शार्प होते, हमारा ये पूरा सिस्टम कुछ और होता आज। हर फील्ड की तरह, दुनिया जितने भी फील्ड्स हैं, हर फील्ड की तरह इस फील्ड में भी, सिविल सर्विसेज के अंदर भी, कुछ जो लोग बनते हैं बहुत शार्प होते हैं, कि उनको देख के हम बोलते हैं कि हाँ वाकई ये डिज़र्व करता है। कुछ लोग एवरेज मीडियोकर से रहते हैं, और कुछ का पता भी नहीं चलता कि ये सर्विस में आ कैसे गया। आप माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने 19-20 साल में ये सब कुछ देखा है, और ये लाइफ के हर फील्ड में चलता है। आप कोई मर्जी फील्ड ले लीजिए, चाहे बिजनेस का फील्ड हो, चाहे नौकरी का फील्ड हो, आर्मी का फील्ड हो, कोई मर्जी फील्ड हो, जुडिशरी का हो, आईएएस का हो, सिविल सर्विस का हो, कोई मर्जी हो, उसमें एक बड़ा डाइवर्सिफाइड सा सिस्टम रहता है। कुछ लोग बहुत शार्प हैं, उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस बहुत कमाल का है। कुछ लोग ठीक है, मीडियोकर है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन टाइम लेते हैं चीज़ों को करने में। कुछ लोग बिल्कुल ही, आपको लगता है कि ये सिस्टम का पार्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो पार्ट है। अब जब उनको हम देखते हैं, जो ऐसे लोग हैं, थर्ड कैटेगरी लोग हैं, वो देख के लगता है कि बने कैसे हैं। अब वो बन के तो आए हैं, अब बन के अगर आपके दिमाग में क्या रहेगा कि कुछ खास बात होगी। वो इन सब में जो मैंने एक चीज़ नोट की है, खास बात क्या है, जो पहली खास बात वो ये है कि ये लोग कम पढ़ते हैं, जो मैंने नोट किया है, दे रीड लेस एंड दे रीड ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो सिलेबस में काम किए हैं उसमें। ये फालतू की ज्ञान की गंगा नहीं बहाते हैं कि जो भी आया आपने पढ़ लिया। आईएएस का मीनिंग ये नहीं है, तैयारी करने का मतलब कि आप हर उस किताब को पढ़ें जो आपको मिल जाए। आपको अखबार को, किताब को, उसी को पढ़ना है। अखबार में वही आर्टिकल पढ़ना है आपने, बुक में वही चीज़ पढ़नी है आपने जो पेपर में काम आएगी, यानी जो सिलेबस का पार्ट होगी। मैंने 3-3 साल 4-4 साल तैयारी करने वाले ऐसे बड़े बच्चे देखे हैं जिनको सिलेबस का आइडिया नहीं है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक वो बड़ा अजीब लगेगा आपको एग्जांपल सुन के भी, लेकिन ये बड़े कॉमन सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक पेपर टू में जीएस में हमारे एक पार्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स का, राइट, और वो जो पार्ट है प्रीलिम्स के अंदर भी है, लेकिन जो मेंस का जीएस है उस जीएस में साफ, उनमें जो डिफ्रेंशिएट हमने करना है मेंस को प्रीलिम्स से इंटरनेशनल अफेयर्स को, तो प्री वाले सिलेबस में क्या है, इंडिया एंड द वर्ल्ड अफेयर्स प्लस वर्ल्ड अफेयर्स है, और जो मेंस का है पार्ट, पेपर टू का पार्ट इंटरनेशनल अफेयर्स का, वो मेनली इंडिया एंड द वर्ल्ड है, राइट। अब जो पेपर टू का पार्ट है, जो सब्जेक्टिव है, जो मेंस का पार्ट है, जिसको पढ़ने की आपकी अप्रोच सब्जेक्टिव अप्रोच है, जिसके लिए आपको हल्का सा वाई एंड हाउ का अच्छी तरह पता होना चाहिए, उसमें भी अब क्या होता है कि मान लीजिए कि यूएसए एंड फिनलैंड, मान लीजिए उन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट साइन होता है, राइट, ये प्योर वर्ल्ड अफेयर है, और उस एग्रीमेंट का इंडिया पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, इंडिया से उसका कोई लेना देना कोई है ही नहीं है, तो वो प्योर वर्ल्ड अफेयर है। अगर वो कुछ बहुत कोई लैंडमार्क कोई पैक्ट साइन हुआ है, कोई ट्रीटी साइन हुई है, तो वो आपको वर्ल्ड अफेयर में तो काम आ जाएगी, और वो प्रीलिम्स का पार्ट है। बट न्यूज़पेपर्स आर नॉट रिटन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है कि आपको किसी पेपर के अंदर उस पर पूरा आर्टिकल मिल जाए, जैसे द हिंदू में, एक्सप्रेस में, किसी भी अखबार में आपको पूरा एक आर्टिकल मिल जाए उसी टॉपिक के ऊपर। अब वो 5-5 कॉलम का जो आर्टिकल है, आपने उसे पढ़ना शुरू कर दिया, आप उस पर कम से कम आप क्या करेंगे, कम से कम आप उस पर आपने 1 या 1.5 घंटा लगा दिया समझने में उसको। अब उसका फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ प्रीलिम्स में काम आएगा, उसका मेन से रिलेशन ही नहीं है। तो मैं वो क्यों पढ़ूँ? जो अच्छा स्टूडेंट है उसको इस चीज़ का पता है,
कि मैंने इतना ही पढ़ना है, जो सिलेबस में है उतने ही पॉइंट पर नोट करने हैं, बाकी सब कचरा है वो। उससे क्या होता है, वो स्मार्ट वर्क करता है, फिर बच्चा टू द पॉइंट पढ़ता है, वो हर चीज़ पढ़ने की कोशिश नहीं करता है, और वो IAS को हवा मान के नहीं चलता है। वो क्वेश्चन के बच्चों अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि सर ये दो बुक पढ़नी है, पढ़ लेंगे, ये अखबार पढ़ना है, पढ़ लेंगे, इस तरह से पढ़ना है, कर लेंगे। और जो थोड़े से ज्ञान बांटने वाले हैं, ज्ञान इकट्ठा करने वाले हैं, उनका विचार क्या होते हैं कि यहाँ से भी चीज लो, वहाँ से भी लो, ये भी करो, वो भी करो। उससे क्या हो जाएगा, इतना सब कुछ जब आपको पढ़ना पड़ेगा तो फिर वो आपके लिए हवा बन जाएगा, फिर वो GK बन जाएगी। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि 90% बच्चों को GK और GS का फ़र्क ही नहीं पता। 99% मेरा चैलेंज है कि GK क्या होती है, GS क्या होता है। जिस दिन ये GK बनेगा, इसका हवा बन जाएगा, राइट? तो आप लोगों ने इसको हवा बना के नहीं चलना है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम आपसे है, आप एग्ज़ाम से नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग उल्टा समझ लेते हैं। आपने एग्ज़ाम को जुत्ती की नोक पे रखना है, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम आपसे है, जिस दिन जुत्ती की नोक पे रहेगा आपके ये, तो डर ख़त्म होगा। आपने जुत्ती ढीली की, ये आपके सिर के ऊपर आके बैठ जाएगा और हवा क्रिएट कर देगा, ठीक है? अगर ऐसा होता कि हमें कुछ आइडिया होता कि ये बच्चा जो है ये IAS कर जाएगा, अब तो मैंने इतनी एक्सपीरियंस से समझ ली है कि हम किसी के बारे में नहीं बोल सकते हैं कि ये बन सकता है या ये नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता तो मैं भी और बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले भी उसी टाइम बोल देते कि भैया मेरी मनी बैक गारंटी है आपको कि आपका होगा ही होगा, मैं कराऊँगा आपको। कोई बोल दे, चैलेंज लेता हूँ उस चीज़ को, मैं चैलेंज देता हूँ उस चीज़ को। नो वन हैज़ द आइडिया कि कौन बन पाएगा, कैसे बन पाएगा। तो फिर आप पूछेंगे तो क्या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसको फिर करने के लिए, IAS बनने के लिए, तो फिर कैसे बन पाएंगे हम? तो उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, इसका हवा ख़त्म कीजिए, इसे एज ए एग्ज़ाम लीजिए, नॉट एज ए क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये नहीं है, लाइफ और डेथ का क्वेश्चन नहीं है ये। फिर उतना ही पढ़िए जितना पेपर में काम आए, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना आपने। फिर उसके बाद प्रॉपर रिवाइज कीजिए, उसके बाद प्रॉपर लिखिए उसे, उसके बाद एक किताब को आप 10 बार पढ़िए, 10 किताब को आप एक बार मत पढ़िए। उसके बाद फिर जो भी आप पढ़ रहे हैं उनको करंट इवेंट से रिलेट करना सीखिए। फिर जो भी आप पढ़ रहे हैं उनको एज इट इज़ मत मानिए, जो करंट अफेयर्स आते हैं अपना दिमाग भी लगाइए कि मेरे क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर। उससे क्या होगा, आपकी अपनी एक थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, उसी के नंबर मिलेंगे आपको, राइट? आप उतना ही पढ़िए, और रोज़ पढ़ना, हर रोज़ पढ़ना है, और जब पढ़ना है आपने फुल फोकस से पढ़ना है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो 8-10-12 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हैं, 10-12 घंटे को छोड़ के उतना पढ़ें जितना आपका दिमाग अलर्ट रहे, फोकस रहे। सर कोई सिंगल फॉर्मूला है ही नहीं है, जब भी आप पढ़ रहे हैं उसे लाइक ए फोरेंसिक एक्सपर्ट पढ़ें, उसे लाइक ए जज पढ़ें कि सिंगल वर्ड का मीनिंग क्या है, सिंगल लाइन का मीनिंग क्या है, उसको एब्जॉर्ब करते जाएं। जब थक जाएं 10-15 मिनट का ब्रेक ले लें। अब वो थकने की लिमिट किसी की 15 मिनट की है, किसी की आधे घंटे की है, तो अपनी पढ़ाई को टुकड़ों में बांट लें। किसी और को पढ़ता हुआ देख के डरना नहीं है आपने कि वो तो इतने घंटे पढ़ता है, मैं कम पढ़ता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? जो भी आपको ये बात बोलता है कि एग्ज़ाम काफ़ी टफ है, उसको इग्नोर कर दीजिए, उसे अपनी लाइफ से बाहर निकाल दीजिए। जो आपको डिस्करेज करे उसे दूर हट जाइए। नेगेटिव बंदे मिले हैं आपके आसपास, उनसे दूर हट जाइए, वो बहुत तंग करते हैं। नेगेटिव कोई आपको बंदा अप्रोच करता है, कोई आपको फालतू की सलाह देता है, कोई आपको फालतू की टेस्ट सीरीज बताता है, उसे अवॉइड कीजिए। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, जगह पे मैंने भी यही गलतियाँ की थी, इसलिए मेरा नहीं हुआ था, मैंने किसी की बात सुनी नहीं, अच्छी एडवाइस मैंने कभी नहीं सुनी, इसे नहीं हुआ, और ये बात मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है।
तो जो गलती हमने की है वो आप मत कीजिए। पहली गलती क्या है, इस एग्ज़ाम के ओराए मत आइए। जो बनते हैं सारे शार्प नहीं हैं, और जो नहीं बन पाते हैं सारे मूर्ख नहीं हैं, राइट। ये डिपेंड करता है कि हमसे गलतियां कहाँ हुई हैं, ठीक है। और जिनका हो गया है उनकी अच्छी बात क्या थी, ये नहीं है कि वो बहुत शार्प हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत हार्डवर्किंग हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए है। जिसके 40% मार्क्स हैं उसका भी IAS में हो जाता है, जिसके 90 हैं उसका भी हो जाता है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। 40 का हो गया 90 वाले का नहीं हुआ, 90% वाले का हो गया 40 वाले का नहीं हुआ। आप खुद सोचिए, अगर सारे ही सो कॉल्ड गोल्ड मेडलिस्ट, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट बच्चे पास करते, सो कॉल्ड टॉपर पास करते, तो BA, MA, MCOM, MSc, BTech, MTech, MBBS एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सारे कोर्सेज के गोल्ड मेडलिस्ट तो फिर पक्का IAS बन जाते, फिर बाकी लोग तैयारी क्यों करते। एक बड़ा अच्छा वीडियो आया था, मैंने देखा, वीडियो भी था एक न्यूज़ भी थी। कोई एक जेंटलमैन है, छत्तीसगढ़ काडर के IAS हैं, तो उनका एकेडमिक बैकग्राउंड सो कॉल्ड मैं उसको नहीं मानता, सो कॉल्ड काफ़ी एवरेज सा रहा है। वो 40-50% के स्टूडेंट रहे हैं 10th-12th में, उनका IAS हुआ है। उन्होंने खुद बोला है उस चीज़ को, इसलिए इसके हवे मत आइए, इसका एक ओरा क्रिएट मत कीजिए, इसे जुत्ती की नोक पे रखिए और पूरे कॉन्फिडेंस से पढ़िए। जो पढ़िए अच्छी तरह से पढ़िए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, फालतू की सलाह से दूर रहिए। जो चीज़ आपको लॉजिकल लगे, रीजनेबल लगे एग्ज़ाम के बारे में, वो मानिए। जो चीज़ आपको इलॉजिकल लगे, और वो आप समझ जाएंगे कि ये बात इलॉजिकल है या लॉजिकल है, ठीक है, उसे आपने नहीं मानना। जो लॉजिकल लगे वो माने, जो इलॉजिकल लगे उसे नहीं मानना आपने। और अपने आप पे फेथ रखिए, एग्ज़ाम के हवे से बच के रहिए और ठसक से तैयारी कीजिए। पीछे बैकग्राउंड आपका है चाहे नहीं है, पहले पढ़ाई आपने की है चाहे नहीं की है, आपका GK का पहले बेस है चाहे नहीं है, करंट अफेयर्स आपको पहले के पता हैं चाहे नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेक इट फ्रॉम मी, यू विल नेवर गेट डिसअपॉइंटेड, राइट। चलो, ये हमारा उस सीरीज़ का, जो गलतियाँ बच्चे करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है अच्छा पढ़ने के बाद भी, जो मैंने उसको बताया ना अभी आपको, मैंने बताया है स्टार्टिंग में कि हम एक पूरी सीरीज़ बना रहे हैं। उस सीरीज़ का पहला पार्ट ये है कि एग्ज़ाम के हवे से बचना है आपने। इस तरह आपको टाइम टू टाइम इस सीरीज़ के बाकी पार्ट्स मिलते जाएंगे। तो सी यू नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। Did you?